नमस्ते भाभी, नमस्ते, नमस्ते। ये सब क्या है रोशन? कुछ नहीं, बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई और पटाखे लाया हूँ। साफ साफ कहो क्या बात है? नवीन भैया, उस पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर दंगे फसाद करवाने और गरीबों की बस्ती जलवाने का इल्जाम लगाया है। आप इस केस के सरकारी वकील हैं, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, चाहे तो। यानी कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश? कोशिश नहीं, मैं तो दे रहा हूं। हम गरीब जरूर हैं रोशन, लेकिन टूटे हुए झाड़ नहीं। खानदानी जड़ें बहुत मजबूत है। जड़ें तो मेरी भी मजबूत थी नवीन भाई, लेकिन आजादी के बाद दौलत के तूफान ने मेरी जड़ें उखाड़ दी। लेकिन मेरी मजबूत है और रहेगी। अदालत की बातें अदालत में होती है, घर पर नहीं। अच्छा, चलो रघु, उठाओ ये सब। नमस्ते भैया, आयुष्मान। अरे 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 अरे, ये क्यों छुपा रहे हो? अरे बेटे, ये लो, ये सब लो, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो लाया था, पर कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है, जड़ें मजबूत हैं, रहेंगी या नहीं मालूम नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, आयुष्मान भव, गुड लक बेटा, गुड लक। आखिर ये बच्चा है? उस चोर के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। दिवाली के दिन दुनिया भर के बच्चे पटाखा जलाते हैं, आप अगर लाकर नहीं देंगे तो क्या करेगा? आरती, तुम्हारा अंधा प्यार इसे जला देगा। एक दिन तुम इन्हीं पटाखों में बारूद सुनोगी, बारूद। रो मत बल्लू, मत रो। वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी, मेरे लिए। माँ, माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे। अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता, समाज सेविका। क्या ये सच है कि तुम रोशी महंता की नौकरी के लिए गए थे? हाँ, ये सच है। मालूम है ना कि वो 6 साल जेल काट कर आया है? मालूम है। और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है? मालूम है। फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे? हाँ करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 जवाब है मेरे पास। एक, माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है। दो, बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं। 3, तुम्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। 4, बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। 5, तू रोशन महंता के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ करूंगा। भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशन महंता की हशीश बेचेगा? गली में लगी पट्टी आपके पिता की, श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा, और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया 10 महीने से नहीं दिया गया, जिसके बेटे को 2 साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हेलो, इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी, पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। बस उसी दिन से वो रोशी महंता का गुलाम हो गया था। गरीबी की गुलामी से रोशी की गुलामी पसंद थी मुझे। एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। रोशी छुड़ाने आया था मुझे। रोशी,
बस वो मेरा आखिरी दिन था। मैंने माँ से पूछा चलेगी मेरे साथ, वो कहने लगी नहीं, औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है। और बेटा? बेटा तो पति के बाद ही रहता है ना। बच्चा बंधु बच्चा, बल्लू जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और उसी रात सुनीता न जाने कहां चली गई। रोशनी महंता, मेरी माँ को उसका बेटा वापस भेज दो, नहीं तो मैं बस्ती के 1000 आदमी लेकर तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगी। ठीक है ठीक है। मेरा भाई मुझे वापस कर दो रोशनी महंता, वापस कर दो। ठीक है। कौन था रोशिबा? होता है चलता है, दुनिया है। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब, मारा है तुम्हारी बहन को, उस कमिश्नर ने मारा है तुम्हारी बहन को। चलाओ गोली, गोली चलाओ, गोली चलाओ। में फैलते हुए आतंकवाद में एक और नौजवान आतंकवादी बना, बल्लू बलराम। बल्लू भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद का पोता है और इस वक्त अपनी गिरोह के साथ फरार है। उनके जाने के बाद एक रात वो मुझसे मिलने आया था। माँ, छोड़ दिया माँ ने मुझे, टूट गया मेरा दिल। बाप ये कहकर मर गया कि इस खलनायक को फांसी मिलनी चाहिए। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार भावना ममता सब झूठ है। ये दुनिया किसी की नहीं होती, ये दुनिया खुद गर्ज होती है, खुद गर्ज। और तुम भी खुद गर्ज हो। तुम मुझे इसलिए भावुक करना चाहती थी ताकि मैं नरम होकर तुम्हारे साथ जेल वापस चले जाऊं, पर मेरी मंजिल कहीं और है और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं खलनायक हूँ और खलनायक बना रहूंगा। मेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। मैं मानती हूँ कि उसके बुरा बनने में मेरी कमजोर ममता का हाथ था, लेकिन मैं उसे भूल कैसे जाऊँ? वो मेरा बेटा है, मेरा दिल है वो। बरसों इंतजार किया मैंने, कभी सड़कों पर कभी मंदिरों में। अब तुम लोग उसे मार दोगे और मुझसे उसकी लाश उठाई नहीं जाएगी। उसे बचा लो बेटा, उसे बचा लो। एक माँ आज जोड़कर उसके बेटे की भीख मांगती है, उसे बचा लो, उसे बचा लो राम, बल्लू को बचा लो, बच्चों को बचा लो।
आई जी पांडे बोल रहा हूँ, अरे घर से बोल रहा हूँ। कमिश्नर वर्मा, पता चला कैसे तुम्हारी पुलिस के सामने से बल्लू गंगा को उठा कर ले गया और तुम सब देखते रह गए। अरे डूब मरे चुल्लू भर पानी में। और जब वो मेरी जेल से भागा था तो तुम सबने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था, यहां तक कि मुझे सस्पेंड करवाने की भी कोशिश की थी। आर यू शट अप नाउ ब्लडी फूल कमिश्नर। हाँ अभी मेरी प्राइम मिनिस्टर से, अरे पीएम यार, प्रधानमंत्री से बात हुई थी। प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि पांडे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको सब कुछ समझा दिया था और वो सब समझ गए थे और कहने लगे पांडे डियर डोंट वरी ऑल इन द फैमिली। अब क्या उपाय है? अब तो एक ही उपाय है कमिश्नर, कि तुमको, सुधाकर को और राम को मेरे घर आना होगा, मुझसे माफी मांगनी होगी, मेरी बीवी से माफी मांगनी होगी, मेरे पांव पकड़ने होंगे, मेरी बीवी के पांव पकड़ने होंगे और उस राम को कहना होगा कि उसे गंगा को भूलना होगा, उसे मेरी बीवी से शादी, सॉरी मेरी बीवी से नहीं, मेरी बेटी का नाम क्या है, टिनी, हां टिनी से शादी करनी होगी और मेरी बीवी के हर काम, हर मिजाज और हर आदर्श को मानना होगा। हां ठीक है, नाउ यू शट अप, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आप किससे बातें कर रहे थे? वो क्या है, वो इडियट कमिश्नर से। डर गया, सब मुझसे डरते हैं। मैं भी बहुत डर गई थी। हाँ कैसे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो बिना कनेक्शन के किससे फोन पे बात किए चले जा रहे थे? ऑल इन द फैमिली। है सच पूछो तो मुझे कल तक तुमसे सख्त नफरत थी, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भारतीय खून है। भारतीय खून, खलनायक कहो खलनायक। हर खलनायक में कहीं ना कहीं नायक छुपा होता है। रावण में भी तो कहीं ना कहीं नायकपन था। तुम नायक बन सकते हो, कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। इंसान जानवर बन सकता है, लेकिन कभी जानवर को इंसान बनते हुए देखा है? सुधरने का रास्ता मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। क्या कह रहा था? ऐसी गंदी दाढ़ी, गंदे कपड़े हो तो आदमी जानवर तो लगता है ही, सोचता भी वैसी है। मैं जानवर? तो क्या, तुमने तो कहा तुम जानवर। राम जी, ये घड़ी क्यों? माँ जी ये स्पेशल घड़ी है, इसे आप हमेशा पहने रखिएगा। आप जहां भी जाएंगी इसके कांटेक्ट से हमें पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हैं। ओह रोशन, उधर देख पीटर। ए गंगा उधर देख। पहले ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूं? तुम भी हंस रही हो? नहीं, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। जानती हो जब मैं 15 साल का था और पहली बार दाढ़ी बनाई थी तो मेरी माँ बहुत हंसी थी, बहुत हंसी थी वो। जब आदमी अचानक अपना रूप बदल देता है ना, तो ऐसे ही होता है। ये रूप तुमने तो बदला है। काश मैं तुम्हें भी बदल सकती। लगता है बहुत जल्द तुम बदल दोगी मुझे। कैसे? देखो मैं किशनगढ़ के मेले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है वो चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है? क्या है दिखाओ तो। ऐसे नहीं,
जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं तब खोलना। सुनो आज मैं बहुत खुश हूं। कमाल है, जो लड़की मेरी मौत बनकर आई है वो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं मैंने, इसलिए आज तुम्हें मेरे सच पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है गंगा। देखोगी कि सच क्या है? ये सच है, राम जी की पीढ़ी से ये मंगलसूत्र लाया हूं तुम्हारे लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला सच होगा। पहला सच गंगा। बस वहीं रुक जाओ बल्लू, वहीं रुक जाओ, भगवान के लिए वहीं रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? वही हुआ जो जो नहीं होना चाहिए। मतलब? देखो बल्लू, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन लेकिन प्यार प्यार नहीं करती मैं तुमसे। क्यों? क्योंकि 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 मैं किसी और की हो चुकी हूँ। देखो बल्लू, मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरा पति कोई और है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ऐसा विचार नहीं करना, नहीं करना ऐसा विचार। क्यों ना करूं? ये विचार तुम ही ने तो दिए हैं मुझे। मैं कैसे दे सकती हूँ जबकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। किसकी हो चुकी हो तुम? क्या नाम है उसका? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जानती हो एक बच्चा खलनायक क्यों बनता है? क्योंकि धोखे की छुरी उसके दिल में जा चुकती है, उसके दिल में। नहीं, अब बनूंगा मैं सही खलनायक, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है। नहीं। एक सही खलनायक क्या होता है? बल्लू, पहाड़ी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम पीछे के घाट से निकल जाओ।